इंडिया में 4G इंटरनेट इतना स्लो क्यों चलता है? दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि बात अगर 4G इंटरनेट स्पीड की जाए तो भारत विश्व में 86वें स्थान पर आता है, जबकि अगर इसी लिस्ट में पाकिस्तान और श्रीलंका को देखा जाए तो वो भी भारत से ऊपर रैंक करते हैं। तो सवाल तो उठता है कि आखिर फिर भारत के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसके चलते हुए हमारे देश में 4G इंटरनेट की स्पीड इतनी ज्यादा स्लो है। असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा ऐसा कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा मोबाइल यूजर्स हैं, जिसके चलते हुए इंडिया में एक ही समय में एक ही टावर से काफी ज्यादा लोग कनेक्टेड रहते हैं। जिससे बात पूरी तरीके से साफ है कि अगर एक ही टावर पर नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा होंगे तो इंटरनेट उसी हिसाब से लोगों के बीच डिवाइड होगा, जिससे कहीं ना कहीं स्पीड काफी ज्यादा कम हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोअर सर्विस चार्जेस की भी आती है, जिसके चलते हुए काफी बड़ा यूजर बेस होने के बावजूद भी इंडिया में 4G इंटरनेट के लिए दूसरे देशों की तुलना में लोगों से काफी ज्यादा कम पैसे लिए जाते हैं, जिसकी वजह से सेलुलर कंपनीज रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगभग आधी क्वांटिटी में ही अक्रॉस इंडिया टावर्स को खड़ा कर पाई हैं। और ऊपर से सोने पर सुहागा वाली बात यह भी है कि इन टावर्स में कुछ ही ऐसी टावर्स मौजूद हैं जो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू कनेक्टेड हैं, और सिर्फ वही टावर हमें 4G की प्रॉपर स्पीड दे पाती है। जबकि दोस्तों बात अगर दूसरी कंट्रीज की जाए तो नंबर ऑफ यूजर्स कम होने के साथ साथ वहां पर 4G सर्विसेज के लिए लोगों से पैसे भी काफी ज्यादा लिए जाते हैं, जिसके चलते हुए उनके हालत 4G इंटरनेट स्पीड के मामले में इंडिया से काफी ज्यादा बेहतर बन जाते हैं। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि इंडिया में 4G इंटरनेट इतना स्लो क्यों चलता है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, आपने इसे लाइक कर दिया होगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं भी शॉर्ट शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टोरी मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ आप अपनी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।